आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कानपुर देहांत के रजीतपुर में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को स्थगित कर दिया गया। वहीं इस बात की पुष्टि स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर दी। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहां की सरकार, वहां के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहां की जो, चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वाहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहां लागू है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल प्रदेश में धारा 144 लागू है, इस वजह से आज से शुरू होने वाली कथा को आगामी समय के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं रविवार को SDM ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस बात की आयोजक में खलबली मच गई। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोजकों ने इस बात को गलत बताया। आयोजकों ने बोल रहे थे कि ये कथा जहां होनी थी वहीं होगी और निश्चित समय पर होगी। वहीं आयोजकों और प्रशासन में खींचातानी चल रही है। तब तक देर रात जिलाधिकारी नेहा जैन ने भी वीडियो जारी कर कथा को स्थगित कर दिया और कहा कि प्रदेश में स्थिति सामान्य होने तक कथा का आयोजन नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं नेहा जैन, जिलाधिकारी कानपुर देहात। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 17 से 21 अप्रैल तक जनपद कानपुर देहात में श्री बागेश्वर जी महाराज का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, परंतु वर्तमान में प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके दृष्टिगत वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इस संदर्भ में कोई भी अन्य वीडियो या बयान पे भरोसा मत करिए, भ्रामक बातें मत फैलाएं, वर्तमान में कार्यक्रम स्थगित है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।